आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई की शादी की रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग बट्टी पूजने के लिए जा रहे हैं, जहाँ हलवाई लोग खाना बनाते हैं। तो चलते हैं एक बार। बाकी सब घर पर हैं, कोई भी मतलब कि रेडी नहीं हुआ था। काम इतना हो जाता है ना शादी वाले घर में, इसका कोई जवाब नहीं है। काम के चलते कोई भी रेडी नहीं हुआ। मैं रेडी थी, मैं आ गई हूँ। ये हमारी प्यारी सी चाची जी है, ये सारी रस्में निभा रही है कल से हमारे घर में। मैरिज होम के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अभी अब बट्टी पूजेगी, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये देखिए हमारा पति देव भी यही है सुबह से। तो ये देखिए मैरिज होम की डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, और ये हमारी चाची जी एंट्री कर चुकी हैं, जहाँ हलवाई लोग खाना बना रहे हैं। तो ये हमारी चाची बट्टी पूज रही हैं। उसके बाद ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे पूछती है। पहले ईंट रखते हैं, ईंट के ऊपर टीका लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। उसके बाद ये कढ़ाई में, ये जितने भी मतलब हलवाई होते हैं उनको टीका लगाते हैं और कलावा बांधते हैं। और उसके बाद ये कढ़ाई में भी, ये देखो, फिर बाद में हल्दी के थापे लगाते हैं। दोनों हाथ मेरी चाची ने सांध लिए हैं हल्दी से, और होली खेल रही हैं सारे हलवाइयों के साथ में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट था, वहाँ पर देखने लायक था। भैया तुम लेट रहे हो, काम ना कर रहे। और ये देखो मम्मी हमारी सबको दिखा रही है कि ये वाला हॉल है जहाँ पर शादी होगी, और ये सारी तैयारियाँ हो रही थी, और मैं भी आप लोगों को दिखा रही थी पीछे से। ये सारा हॉल एसी हॉल था। और ये देखिए अब फाइनली नंबर इनका आ चुका है। ये भी छुपे बैठे थे, चाची ने इनको भी हल्दी में रंग दिया है बिल्कुल। ये देखिए कर दी पिटाई, ये आराम से छुप गए थे बेचारे, सारे रगड़ दिए, जैसे इनकी आज ही शादी है, इनके ही हल्दी चढ़ रही है। और ये हम आ चुके हैं अपनी मैडम जी के घर, और ये देखिए इन्होंने कितने छोटे छोटे से डक्स के बच्चे हैं, जो अंडे से मतलब खुद ही पैदा किए हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निक है हमारी मैडम जी में। और ये देखिए अब चल रही है हल्दी की रस्में, हल्दी की रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये ढोलक वोलक बज रही है आसपास। मैं यहाँ का माहौल नहीं सुना सकती अभी, क्योंकि इतना शोर शराबा था, आप लोग भी बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं पूरा वॉइस ओवर पीछे से कर रही हूँ। और वो देखो, और ये उसके बाद में ये कंगना बंधा है सबके, मतलब होते हैं एक एक बनते हैं सबके, ये मेरे भी बन चुका है। और ये हल्दी देखो रगड़ रगड़ के लग रही है। लड़का कह रहा है कि मेरी स्किन मत छील देना, इतनी जोर जोर से रगड़ रहे हो तुम लोग। और ये चाची जी देखो हमारी पूरे ही रगड़े लगा रही हैं, और मेरी बड़ी वाली दीदी भी लगा रही हैं सारे ही रगड़े। और देखो सारे के सारे चिपट पड़े हैं। बाद में फिर मैं भी आ चुकी हूँ हल्दी लगाने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था, बहुत बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मेरे भाई के बन चुका है कंगना, जो मतलब कंगन खोलने की रस्म होती है जब दुल्हन आती है। उसके बाद में चाची ने देखो हमें भी नहीं बख्शा है, चाची ने हमारे भी लगा दिए हल्दी। और ये मेरी दो प्यारी, दो क्यूट सी सिस्टर हैं। और ये देखिए क्या हाल कर दिया है इस लड़के का, ऐसा नहीं लग, ऐसा लग रहा है शादी हो रही है या जंग जीत रहा है। तो गाइस ये देखिएगा हमारा मेहंदी लुक, और ये देखिए मेरी क्यूट सी प्यारी सी दो सिस्टर। हेलो हेलो गाइस हेलो। ये काफी नॉटी शैतान है, फोन चला दी रहती है, बदमाश की लड़की। और ये बिल्कुल स्वीट सी है बेचारी, मेरी हेयर स्टाइल वगैरह सेम से आया था। और ये देखिए मेहंदी वाले भैया आ चुके हैं, हल्दी के बाद मेहंदी की रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये देखिए घोड़ा पूजने की रस्म होती है हमारे यहाँ, दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो उनके मुंह पर पंखा बांधकर उसे ऐसे लिया जाता है जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ा बहुत
ये घोड़ा पूजने के लिए जा रहा है, जहाँ पर मतलब कूड़ा वूड़ा रहता है थोड़ा सा, उसकी थोड़ी सी रस्म रिवाज होती है। ये हमारी चाची भी हैं, ये थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसको पूजा जाता है। अब ये पंखे भी पूजेगा, सारा सब कुछ है हमारी चाची जी पूजा रही हैं जो भी कुछ है। अब ये पूज कर घर में वापस आ चुका है, ये पूज चुकी हैं, सारी रस्में रिवाजें हो चुकी हैं। हमारे यहाँ कुछ कुछ रस्में काफ़ी यूनिक तरीके से होती हैं। और ये दूल्हा हमारा बैठ चुका है तो ये मेहंदी सबकी लग चुकी हैं। और ये देखिए ये अब हो चुकी है भात की तैयारी, क्योंकि मेरे मामा वगैरह आ चुके हैं, अब भात गिरने की तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए हमारे ये छोटे वाले मामा जी हैं जो भात डाल रहे हैं। और ये कुछ नई नई सी रस्में हैं हमारे यहाँ, ये सबको भात दे रहे हैं। और ये सब के बाद में हमारा भी नंबर आ चुका है भात लेने का। और ये दूर से वीडियो, मैंने भी ग्रीन कलर का पटियाला सूट डाला है, क्योंकि भाई मेहंदी की रस्में हैं तो इस वजह से सुबह येलो था। साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा। और ये हमारी बड़ी वाली दीदी भी आ चुकी हैं, मतलब सबकी मैंने सूट नहीं किए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, तो इस वजह से मेन मेन चीज़ें ही मैंने दिखाई हैं। तो ये अब ये मेरा मेहंदी लगने का टाइम आ चुका है। और ये देखिए मेरे हाथ भी बिल्कुल येलो हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई के हल्दी लगाई थी, फिर उसके बाद मेरी चाची ने मेरा इतना बुरा हाल किया हल्दी लगा कर, बस मेरे सारे गाल वगैरह सब कुछ येलो हो चुका था। तो सब ने मेहंदी लगवाई, इतना अच्छा लगा। ये देखिए मेरी फाइनल सबके हाथों में मेहंदी लग चुकी है लगभग, और देखो सब लोग आपको अपने हाथ दिखा रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा था ना, बाय गॉड।